हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं रश्मि, आज मैं आपके लिए एक ओडिया ऑथेंटिक चिकन रेसिपी बनाऊंगी। होप यू ऑल एंजॉय माय रेसिपी। और इस रेसिपी का नाम है चिकन झोल। तो चलिए बनाते हमारा चिकन झोल। मैंने चिकन को अच्छे से धो के रख दिया था। अब मैं इसमें डालूंगी नमक, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर को आप अपने हिसाब से डालिए, जो जितना तीखा खाते हैं उसके हिसाब से आप तीखा डालिए। हम थोड़ा ज़्यादा तीखा खाते हैं, इसलिए थोड़ा ज़्यादा लाल मिर्च का पाउडर मैं यूज़ की हूँ। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। इस जिंजर गार्लिक पेस्ट में मैं ऑनियन, जीरा, जिंजर और गार्लिक और उसमें दालचीनी और इलायची को मिला के मैं एक पेस्ट बना दिया था। अब इसमें वो डाल दिया मैंने। अब मैं इसमें डालूंगी मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल डाल के हम थोड़ा सा अच्छे से चिकन को मसाले के साथ मिलाएंगे। और हमारा ओडिया रेसिपी जो होता है वो ज़्यादातर मस्टर्ड ऑयल से ही बनता है। बस मैं अच्छे से मिला लूँगी चिकन और वो पूरा मसाला को। ये चिकन रेसिपी में जितने आप मसाला को अच्छे से मैरिनेट करेंगे, चिकन रेसिपी उतना मज़ेदार बनता है। इसलिए ये पहला स्टेप जो मैरिनेट का स्टेप, वो बहुत ही बढ़िया से होना चाहिए। बस और मैं वो चिकन लेग पीस का भी कट भी लगा दिया हूँ, ताकि चिकन मसाला जो मैं उसके अंदर डालूंगी वो अच्छे से उस मसाला उसके अंदर जाए। पकने के टाइम पूरा मसाला भी चिकन लेग पीस के अंदर जाकर पकेगा, तो बहुत अच्छा लगता है और चिकन बहुत जूसी भी बनता है। अब मैं उसको ढक के 20 मिनट से आधा घंटा रख दूंगी। अब मैं सारा तैयारी भी कर चुकी हूँ इस बीच में। बस अभी जो जो चाहिए वो है नमक, हल्दी पाउडर, चिल्ली पाउडर और ये पूरा जो हमारा गोटा मसाला होता है, तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग, इलायची, जो खड़ा मसाला होता है वो भी हम लोग रखेंगे, सारे गरम मसाला। और ये बनेगा मस्टर्ड ऑयल में, मैं तो पहले से ही बोल दिया था। और एक दो टमाटर मैं रखूंगी, बड़ा बड़ा टमाटर ली हूँ। और तीन बड़ा साइज का प्याज को मैं इतना अच्छे से पतला पतला करके वो इस टाइप का शेप दिया हूँ। आप भी इस तरह ही काट काट कीजिए। और ये मैं बड़ा वाला तीन आलू ली हूँ। आप चाहें तो मैं छिलका के साथ ली हूँ, आप चाहें तो स्किन निकाल सकते हैं। पर हमारा ओडिया जो ऑथेंटिक रेसिपी होता है वो आलू तो मस्ट पड़ता है उस रेसिपी में। और मैं आलू का साइज भी थोड़ा बड़ा रखी हूँ। और ये जो मैरिनेट किया हुआ चिकन, वो तो चाहिए, वो तो मेन है, इसके बिना तो चिकन बनेगा ही नहीं। बस वो जो जो मसाला मैं डाली थी वो सारा ही मसाला को साथ ही इसके अंदर ही मैं डाला हुआ है। बस एक्स्ट्रा हम मसाला कुछ नहीं डालेंगे, वो जो बाहर का मसाला कुछ भी नहीं यूज़ करेंगे। इतना में ही बनाएंगे हम हमारा आज का ओडिया ऑथेंटिक चिकन झोल। बस अब मैं कढ़ाई तो गर्म हो चुका है, अब मैं इसके अंदर तेल डाल दिया है। बस थोड़ा ऐसे करके अब मैं सारा गर्म मसाला, जो खड़ा मसाला होता है उसको थोड़ा डाल दूंगी। उसके बाद ये जो बड़ा बड़ा कटिंग की थी मैं आलू, पटाटो, सारे पटाटो को मैं इसके साथ ही डाल दूंगी। वो थोड़ा फ्राई हो जाएगा, एक्स्ट्रा फ्राई करने का कोई जरूरत नहीं, सब एक ही कढ़ाई में हमारा हो जाएगा। थोड़ा सा मैं हल्दी पाउडर यूज की हूँ, ताकि वो जो तेल बाहर ना आ जाए। अब मैं इसमें डालूंगी प्याज। प्याज को ही हम आलू के साथ ही भून लेंगे। जब तक प्याज भुनेगा तब तक आलू आधा से आधा भून भी जाएगा, इससे थोड़ा गैस का भी सेविंग हो जाता है। ये छोटा सा टिप्स था मेरी तरफ से। बस अब थोड़ा नमक डाल के हम प्याज को भुनेंगे, ताकि प्याज जल्दी से भून जाएगा। जब आप भूनते हो प्याज या कोई भी मसाला, थोड़ा नमक डालिए उसमें, तो उसका टेस्ट भी आता है और थोड़ा जल्दी भून जाएगा। थोड़ा हल्दी भी यूज कीजिए, हल्दी यूज करने से तेल का छिटका आपके ऊपर नहीं आएगा। अब मैं ढक्कन लगा के थोड़ी देर इस प्याज को लाल करने तक फ्राई करूंगी। ऑलमोस्ट लाल हो गया हमारा प्याज। बस अब हम इसमें जो मैरिनेट किए थे चिकन को डाल देंगे। इसके अंदर तो सारे मसाला है। बस ये बहुत इजी मेथड है ये।
और ये मेथड में चिकन बनाएंगे ना, इतना टेस्टी रहता है ये। और बाहर का वो मार्केट का मसाला डालने का ज़रूरत ही नहीं है। मेरे खाना में तो मैं घर में ही ज़्यादातर मसाला बनाती हूँ और बहुत टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। बस थोड़ी देर भुनेंगे हम चिकन को, अच्छे से थोड़ा फ्राई करेंगे चिकन को ताकि चिकन का जो रॉ स्मेल है वो चला जाएगा। बस थोड़ा थोड़ा हमारा भुनना हो गया चिकन। अब हम इस स्टेज में हम डालेंगे टमाटर। टमाटर डालेंगे, फिर से हम भुनेंगे चिकन को। मैं अभी तक ढक्कन नहीं लगाई हूँ, अगर अभी ढक्कन लगा देंगे तो चिकन में पानी आ जाएगा, इसलिए अभी ढक्कन नहीं लगाएंगे हम लोग। ऐसे ही खुला ही हम लोग बनाए मतलब भुनेंगे चिकन को, अब ढक्कन लगाएंगे। टमाटर डालने के बाद थोड़ा ढक्कन लगा देंगे। बस अब देखिए जो मसाला में तेल था वो ऊपर आ रहा है, और थोड़ा अच्छे से भुनेंगे। पूरा जो ऑयल है वो ऊपर आना है, और भी आएगा ऑयल, आप देखते जाइए। भुनते जाएंगे चिकन को। चिकन को जितने अच्छे से भुनेंगे उसका टेस्ट उतना अच्छा आएगा। तेल भी अच्छे से ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें गर्म पानी डालेंगे। अब हम इसमें ढक्कन लगा के और 15 मिनट रख देंगे। स्टीम अच्छे से आ रहा है। बस ऑलमोस्ट हमारा चिकन हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे। धनिया पत्ता डाल के और 5 मिनट के लिए हम ढक देंगे चिकन को। ढक के और 5 मिनट पकाएंगे, और उसके बाद हम 10 मिनट स्टैंडिंग टाइम देंगे। देखिए पूरा चिकन का कलर कितना अच्छा, मतलब बहुत ही शानदार बना है चिकन। वाओ, ये देखिए ये लेग पीस देखकर किस किस का मुंह में पानी आया, प्लीज मुझे कमेंट और लाइक कीजिए। जो ऑथेंटिक रेसिपी होता है उसमें पटाटो डालते हैं हम लोग, ये मस्ट है। आप ये रेसिपी अगर ट्राई करेंगे तो विदाउट पटाटो मत ट्राई कीजिए, पटाटो के साथ ही ट्राई कीजिए। और ये सिंपल व्हाइट राइस के साथ आप खाइए चिकन करी, उसके साथ और कुछ नहीं चाहिए। आहा हा हा, मेरे मुंह से तो मतलब अब भी फिर खाने का मन कर रहा है मुझे चिकन में, वो जो चिकन झोल हमारा, वाह। और बहुत ही टेस्टी बना था चिकन, बिलीव मी गाइस, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। और जो जो ट्राई किए प्लीज मुझे कमेंट में लिखिए, और मेरी वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए।